हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। वेल, बिग बॉस का सातवां हफ्ता निकल गया तो मैंने सोचा इस बार अपडेट तो कम ही दूं आपको, बिकॉज ज्यादा कुछ खास हुआ नहीं है इस हफ्ते। पर आपको ये जरूर बता दूं कि जो भी एविक्शन हुआ है इस बार तहलका का, वो कितना सही था, कितना गलत था, और भी जो चीजें मुझे फील हुई इस हफ्ते उसके बारे में मैंने डिस्कस करने का सोचा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं बात करूंगा तहलका के एविक्शन के बारे में। वेल, देखिए, नो डाउट तहलका ने बहुत ज्यादा वायलेंस दिखाया है, दिखाने की कोशिश की है इस सीजन, और जिसकी सजा उनको मिली। पर जो उन्होंने लेटली जो अभिषेक के साथ उन्होंने किया वो बहुत गलत किया, और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी स्टेप्स उन्होंने उठाए हैं वो कहीं ना कहीं अरुण के प्यार में उठाया है, जो उन्हें नहीं करना चाहिए। अरुण का खुद का स्टैंड है, खुद वो कर सकते थे, पर आई डोंट नो व्हाई उन्होंने वो स्टेप नहीं लिया और तहलका को लेना पड़ा वो स्टेप। एनीवेज, वो तो चलो मायने रखता ही नहीं है। गलत है अगर किसी का भी कॉलर पकड़ो या हाथ को गाल पे रखो या एप्पल उसके हाथ से छीन लो, मतलब वो बहुत डिसरिस्पेक्टफुल हो जाता है, मोर देन वायलेंस, और ये बिग बॉस में चलता नहीं है। तो मेरे ख्याल से एविक्ट करना थोड़ा हार्श था, पर अगर किया भी तो कोई बुरी बात नहीं है। एनीवेज, तहलका का बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन भी इस घर में मुझे नहीं लग रहा था, एंड जिस तरीके से अरुण खेल रहे थे मुझे वो बेटर लग रहा था। और शायद बिग बॉस ने भी सोचा होगा कि दोनों में से अगर चूज करना पड़े तो वो तहलका को ही निकालेंगे, बिकॉज अरुण फिर भी दिख रहे हैं, फिर भी कुछ तो कर रहे हैं, बट तहलका अरुण के जस्ट पीछे पीछे एज अ उनके बॉडीगार्ड चल रहे थे, तो मुझे ऐसा फील हुआ। सो दैट्स टोटली फाइन जो किया, बट इसमें जो भी चीजें अभिषेक ने की है वो उन्होंने पर्पसली किया। जब उन्होंने देखा कि कॉलर पकड़ा है, एप्पल छीना है, तो उन्होंने उनको और प्रोवोक करने की कोशिश करी। उन्होंने सोचा कि चलो मैं और इसमें ब्राउनी पॉइंट्स लेता हूँ, जो उन्होंने लिए। और जब तहलका एविक्ट हुए तब वो जो पागल हुए, मतलब एविक्ट होने के बाद जो पागल हुए, वो प्लस ये सब जो बातें चल रही थी उसके पहले जो उन्होंने वो उनको जो पैनिक अटैक्स आए, वो मतलब हर तरीके से वो ऐसे मुझे लगे कि ये कोई साइको बंदा तो नहीं है भाई, किस तरीके का, किस लेवल का बंदा है, ऐसे कैसे पैनिक अटैक्स इसको आ रहे हैं। मतलब सबसे पहले तो इसको निकालो भाई, क्योंकि अगर इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो ये तो और ऐसे झगड़े करेगा, शायद ये और कुछ ऐसे कदम उठाएगा जो नहीं उठाने चाहिए। तो आई फील उनको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि वो ये सब चीजें ना करे। और बहुत इंप्रूवमेंट भी आया है, ऐसा नहीं है कि अभिषेक में बहुत इंप्रूवमेंट नहीं आया, बहुत आया, बट आई होप आगे ऐसा कुछ सिचुएशन ना हो जहां पर एविक्ट करना पड़े किसी को वायलेंस के कारण। तो यस, एंड करण जौहर जब भी आते हैं, मतलब वीकेंड के वार में, आई लव इट। मतलब जितना फ्रैंकली मुझे सलमान खान से नहीं मिलता है उन ओपिनियन उनका, मुझे करण जौहर से मिल जाता है। और मतलब आई जस्ट होप कि किसी टाइम अगर सलमान खान इस शो को होस्ट ना कर पाए तो करण जौहर उसको होस्ट करे, एंड ये मेरी अपील भी है उनसे कि आप प्लीज उसको दिमाग में रखिएगा। तो करण जौहर आए, उन्होंने ये सब बातें छेड़ी, उन्होंने मनारा को भी एक रास्ता दिखाया कि जो तुम ये हिपोक्रेसी कर रहे हो, तुम एक्सपेक्ट करते हो मुनावर से, पर जब मुनावर किसी प्रॉब्लम में आता है तुम उनके साथ नहीं होते हो। ये बहुत ही सही चीज बताई करण जौहर ने, और मुझे ऐसा लगता है कि बताना जरूर था, जरूर जरूरत थी इस चीज की। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है मनारा उस चीज पे ध्यान भी देगी, बट एनीवे इससे मुनावर का ही फायदा है, बिकॉज लोगों के दिल में उनके लिए और सॉफ्ट स्पॉट आ जाएगा। तो या दैट्स देयर। एंड देन उसके बाद में जब अंकिता से और विक्की से बात किया, तब मुझे ऐसा लगा कि करण जौहर कुछ ज्यादा ही बोलते हैं ना कि ज्यादा ही फ्रैंक हो रहे हैं बोलने में, हाथ पकड़ने वाला सीन हो गया, या विकी का वो इन्वेस्टमेंट वाली बात हो गई, जो भी हो गई, बट एनीवेज वो बताना जरूरी था तो उन्होंने बताया। और पिछले 2 हफ्ते से विकी पे बहुत ज्यादा चढ़ रहे हैं ये घर वाले, पर ये उनके लिए ही एक बोलते हैं ना प्लस पॉइंट है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो टॉप 5 कंटेस्टेंट में है, तो उनका पोटेंशियल देखना बहुत जरूरी है। पर वो डगमगा नहीं रहे हैं अपने गेम से, वो खेल रहे हैं, हालांकि थोड़ा सा अभी शांत हो गए हैं, बिकॉज वो होता है ना, कभी आपके साथ प्रॉब्लम्स आती है तो आप उस पर रिएक्ट करने के बजाय अगर शांत रहो तो आपके लिए ज्यादा बेटर है। तो वो अभी वही कर रहे हैं एंड उसमें सफल भी हो रहे हैं। जैसी अभी नेक्स्ट वीक आएगा, कोई टास्क आएगा, तब आई थिंक अगेन हमें देखने मिलेगी उनकी स्ट्रैटेजी और वो सब। बट ओवरऑल लोग चाहे उनको पसंद करे ना करे, ही इज स्टिल माई वन ऑफ द फेवरेट कंटेस्टेंट्स इन द हाउस, और मुझे ऐसा लगता है टॉप 5 में गारंटी वो आने वाले हैं, इररिस्पेक्टिव उनको वोटिंग्स कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, अंकिता के फैंस के थ्रू मिलेगी, कुछ भी मिले, बट वो टॉप 5 में है। उसके बाद मैं बात करूंगा रिंकू जी का जो रिएक्शन था, जो उन्होंने बताया कि सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ किस तरीके से अनुराग डोबल का जो
पूरे सीजन का जो नॉमिनेशन था अब वो ट्रांसफर हो चुका है नील पे। क्यों? क्योंकि दिमाग वाले कमरों ने डिसाइड किया कि नहीं, अनुराग को अभी एहसास है अपनी गलतियों का, तो उनको अभी एविक्शन से बचाना चाहिए और उसके बदले नील को डालना चाहिए। कहीं ना कहीं ये वो कहते हैं ना, विकी भैया का जो एक स्ट्रैटेजी है वो काम आ गया और नील वहां पर नॉमिनेट हो गए। तो एंड उसमें उसमें विकी भी गलत नहीं है, उनका शुरू से ही एक पॉइंट ऑफ जो बोलते हैं ना टारगेट था वो नील ही था और उनको करना था नील को, उन्होंने वहां पर भी नील का नाम लिया। बाकी घर वाले, बाकी जो उनके मोहल्ले वाले, वो चाहते तो नाम चेंज कर सकते थे या किसी और का नाम ले सकते थे, पर वो नील पर वो विकी के बातों में आए, विकी की बात सुनी। सना ने भी बोल दिया कि चलो विकी बोल रहा है तो ठीक है, नील को ही कर देंगे। अनुराग ने भी बोला कि चलो मैं डिसीजन चेंज करता हूँ, नील का नाम ले लो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जो विकी ने किया है, मतलब जिस तरीके से सब मोहल्ले वाले विकी के पीछे ही है, वैसे उन्होंने विकी के साथ में नाम ले लिया और वहां पर विकी की स्ट्रैटेजी काम आ गई। इसे कहते हैं मास्टरमाइंड, इसे कहते हैं लक, जो साथ में विकी भैया के साथ मिल गया एंड नील बेचारे नॉमिनेट हो गए, जिसके लिए वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हुए, जो भी हुआ। बट आई स्टिल फील नील का जो गेम है इस नॉमिनेशन की वजह से और बेटर होगा और मुझे ऐसा लगता है वो और ज्यादा इसमें बेटर कर सकते हैं, तो इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर हिम। फिर उस डिसीजन के बेसिस पे रिंकू जी को बहुत गुस्सा आया। फाइनली रिंकू जी ने रिएक्ट किया किसी चीज पे, तो रिंकू जी ने अपना रिएक्शन जताया। उनको नहीं अच्छा लगा कि अनुराग जो बिग बॉस को ऐसा बोलता है वैसा बोलता है और फिर बाद में उनको नॉमिनेशन से हटा के नील को डाल दिया, ये बहुत गलत लगा उनको। कहीं ना कहीं मुझे भी गलत लगा, क्योंकि आई वॉन्टेड के अनुराग को ही पूरे सीजन के लिए नॉमिनेटेड रखो, बिकॉज जिस तरीके से बात करते हैं वो, बिग बात किया उन्होंने बिग बॉस से, हालांकि उनको एहसास है, पर लेकिन इमीजिएटली उनको इस चीज का वो कहते हैं ना छूट नहीं मिल जाना चाहिए था, जहां पर उनको नॉमिनेशन से हटा दिया, तो वो चीज गलत हुई मेरे हिसाब से। बट रिंकू जी भी सही थी और विकी अपनी जगह पर सही था, क्योंकि उनका शुरू से ही टारगेट होता। अगर चाहते तो मोहल्ले वाले दूसरा नाम ले लेते, अगर दो जन ने सना का नाम लिया तो अनुराग सना का ले लेता नाम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट एट द एंड नील हुआ नॉमिनेट एंड मजा आ गया विकी भैया को। और तो मैं क्या कहूँ, उसके बाद में पूरा हफ्ता कुछ ऐसा मेजर एक्टिविटीज तो हुई नहीं। नील को दे दिया कि आप डिसाइड करो, पूरे राशन आप ले लो हफ्ते का और आप डिसाइड करो आपको किसको कितना बांटना है। उन्होंने लाइक अ गुड बॉय सबको बांट दिया, कोई मुद्दा बना नहीं उस चीज का, तो ये सब चीजें चलती रही और कुछ मेजर ऐसा हुआ नहीं। कुछ मैं अगर भूल रहा हूँ तो कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर डालना, हम उसके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। बट ये चीज मुझे इतनी याद है कि इस बार करण जौहर ने सबको एक 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 पट्टी लगाई है और कहीं ना कहीं आई थिंक अब लोग समझेंगे कि उनको आगे किस तरीके से बढ़ना है, किस तरीके से आगे इस गेम में अपना स्ट्रैटेजी लगाना है। मुनावर आई थिंक ही इज द विनर, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अभी तो उस रेस में आई थिंक टॉप 3 पे है मेरे लिए, शायद टॉप 2 पे भी। पर अब वो किस तरीके का गेम खेलते हैं, क्योंकि अब मोनोटोनस नहीं हो सकता, अब आपको थोड़ा सा और स्ट्रैटेजी अपनी दिखानी पड़ेगी, तो आई होप वो दिखाए, तो देखेंगे क्या होता है। बाकी ईशा और समर्थ का तो मैं आपको क्या बोलूँ, ब्रेकअप हो गया क्या हुआ मुझे खुद को कुछ समझ में आया नहीं है, अब इस हफ्ते शायद पता चल जाएगा। बट एनीवेज लेट्स सी क्या होता है। आप मुझे बताओ आपकी क्या राय है इस वीक के बारे में, एंड आपके कोई टॉप 3 टॉप 5 कुछ दिमाग में बैठा है, मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। टिल देन मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।